क्विक करता हूँ, शराब भाईचारे के बारे में दो शब्द आदरणीय सभी को प्रणाम। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, स्पेशली संजीवनी एग्रो की तरफ से। मैं इनके लिए बहुत प्रशंसक भी हूँ, आपका जो काम है। और इधर जब अंदर फायर भी लगा है, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कोई इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहे हैं। एक परफेक्ट जगह बोलते हैं ना, जहाँ फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं और जो चैलेंज ले रहे हैं, और उसमें उन्होंने बायोचार का भी एक चैलेंज लिया है। नहीं तो आज के तौर पे जितना खर्चा हो रहा है, अगर एक यूनिट लाना है विदेश से, करोड़ों में बात कर रहे लोग, उससे कम नहीं बात कर रहे। एटलीस्ट हम इधर आसान कर दिए लोगों को, यहाँ तक कि हम कुछ बेटर टेक्नोलॉजी, हम आर्टिजनल का भी ट्रेनिंग देते, लेकिन उससे अच्छा बाई प्रोडक्ट भी हम ले सके। तो इसलिए आप जो डिजाइन कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अभी ये बायोचार का जो विषय है, अभी आप हर कोई जानते हैं, मैं 2005 से काम कर रहा हूँ बायोचार का ऊपर, लेकिन वो टाइम पे बायोचार का शब्द नहीं था, क्योंकि टेरा प्रेटा बोल के वो विदेश के जो लोग हैं उन लोग ऐसा रिसर्च करते हुए हम आगे बढ़े थे। 2007 से वो शब्द आया था, 2010 तक फैल गया था। अभी पिछले कोरोना जैसा आया, अपना बायोचार का नाम भी उससे ज्यादा बढ़ा, वो टाइम से ही कोरोना टाइम्स बोलते ना। 2018 से IPCC रिपोर्ट में जब जिक्र किया गया बायोचार के बारे में, इससे अच्छा और कोई नहीं है। हम दुनिया का ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस बोल के उन्होंने ग्राफ में डाल के बताया। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और 100 साल से 1000 साल तक इसका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, मतलब जो हवा में जो मात्रा बढ़ गई कार्बन का, उसको हम पकड़ के स्थापित कर रहे हैं। तो इस वास्ते क्या हो गया, फिर 2-3 कंपनी आ गए जो कार्बन क्रेडिट देने में जुट गए, उन लोग भी स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिए। नहीं तो IBA एक था पहले से, बोले तो EBC बोलो, WBC बोलो, प्यूरो अर्थ बोलो, आप वेरा बोलो, ऐसा बहुत सारे चीज अभी आ गए मार्केट में जो बायोचार का क्रेडिट हाईएस्ट दे रहे हैं। ताली बजाओ ना, क्रेडिट ज्यादा दे रहे बोले तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें पुण्य ज्यादा है। क्रेडिट का मतलब यही है, समझ में आ रहा है ना? इसमें और कुछ अलग मीनिंग नहीं है। क्रेडिट का मतलब आप जो कुछ भी जितना भी जमीन में डाल रहे हो, जलाने से कम है क्रेडिट, वो याद रख लो। आपका पुण्य मिलेगा जलाने से, आप कोयला बनाए, कोई इंडस्ट्री को बेच दिए फिर जलाए, वो पुण्य भी है, वो रिन्यूएबल में आता है, लेकिन उसका क्रेडिट कम है। लेकिन आप जब भूमि में डालेंगे, नहीं तो कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, नहीं तो एनवायरमेंट, जैसा मैं पानी को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहा हूं, है ना? इसके अलावा मेडिकल फील्ड में हम पूरा अस्पताल को बायोचार से बना सकते, हर दीवार बायोचार से बना सकते, ताकि जो इमिशंस है, हम ऑक्सीजन लगाने से अच्छा बाहर से जो प्रदूषण आ रहा है उसको रोक लो पहले। हाई एंड भी है, एक्टिवेटेड कार्बन बहुत सारे है, वो केमिकल इंडस्ट्री से लेके गैस का फिल्टर करने तक, आप कुछ भी बोलो हर एक जगह अलग अलग है, उसका एस्टेब्लिश्ड है पुराने, जो क्रेडिट के संबंध नहीं है, लेकिन वो भी हम करके और पर्यावरण को या अपना क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सभी को ठीक कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी और ज्यादा है, मतलब रिसर्च ये बिगिनिंग सोच लो, नहीं तो इसमें और रिसर्च राइट फ्रॉम टेस्टिंग बोलते हैं ना। अभी हम हर कोई, जैसा संजीवनी बोल रहा है, कुछ भी डालो बायोचार बना के देंगे। मैं बोलता हूँ मेरा भी, मैं जब गएगा जाएगा ना दुनिया से, मेरा पूरा हड्डी बायोचार बना के दो, पूरा हड्डी। नहीं तो 3 इडियट और क्या बोलते हैं चेन्नई एक्सप्रेस में इतना ही बनता आदमी का, इतना बायोचार से क्या होगा? इतना बड़ा आदमी का इतना हड्डी क्यों बनाते है? उसको अस्तिष्क बोलते, उसका भी पुण्य है, इसलिए हम गंगा तक लेके जाते। बहुत खर्चा होता, क्योंकि पानी में जब डालते हैं तो पानी का
ट्रीटमेंट होता है, इसलिए वो करते हैं कल्चरली, नहीं तो कोई अशुद्ध करने के लिए पूरा इंडिया से जाके उधर डालेगा नहीं, समझ में ना। तो अपना कल्चरली पूरा वैल्यूस है, ये कोई नया चीज नहीं है, याद रख लो आप, वो कंपलसरी याद दिलाना, चाहे हमारे यूनिवर्सिटीज थोड़े भूल गए सिलेबस में डालना, क्योंकि कोयला क्यों डालेंगे, कोयला से क्या है संबंध अपना, अपना तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एक अलग चीज है, बायोचार एक अलग चीज है, याद रखो दोनों एक नहीं है। आपको ताली में काना दिया, ताली भी का लेते क्या, ऐसा ही है, ये पकड़ने वाला चीज है, ये अगर खाएगा भी तो पचकेगा नहीं। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन वैसा नहीं, वो सूक्ष्म जीवों को लिए खाना है ना। तो इसलिए ये दोनों के बीच में संबंध भी है, ये नहीं भूलना कि बायोचार जब डालेंगे तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो रहना है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता बोले तो, जो सूक्ष्म जीव है, नहीं तो पानी को पकड़ने का है, नहीं तो उसमें जमीन में जो कुछ भी आप ओनली जड़ उखाड़ते, ऊपर का उखाड़ते, नीचे का रूट्स पूरा अंदर ही रह जाता ना। जब बायोचार के वास से आपका पेड़ बहुत बड़ा हुआ मतलब रूट्स भी अच्छा हुआ है अंदर, है कि नहीं, तो ऊपर का काट ले तो नीचे का कार्बन उधर ही है ना। तो बायोचार के वास्ते आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ रहा है, 0.3% से आप 1% तक भी लेके जा सकते, उससे ज्यादा भी लेके जा सकते कोशिश करते करते। अभी पूरा दुनिया में यही प्रॉब्लम है ना, तो उस वास्ते है। अभी जो रेवोल्यूशन है, मैं तो एक गांधी जी का एक दंडी मार्च बोल के शुरू किया था, है कि नहीं, गुजरात में किया है ना, नमक उठाया। अभी चल रहा है ब्लैक रेवोल्यूशन, याद रख लो, नहीं तो इतना न लोग नहीं दिखते। मैं क्रांतिकारी देख रहा था सुबह, और लग रहा था कि हम बैठ के जैसा भगत सिंह ऐसा कुछ लोग बैठ के कुछ करते ना, आप संजीवनी में आके ऐसा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं तो बोल बोल के थक गया था। लेकिन पिछले 5-6 महीने से मैं रुका नहीं, 5 राज्यों में गया मैं, अभी छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ, और जितना जिधर भी गया ये मूवमेंट जो है बढ़ता ही जा रहा है। मैं सिर्फ एक यूट्यूब चैनल इसलिए लगा है कि एजुकेशन करे, क्योंकि इधर गलती ना हो। सी अभी भी लोग बोलते हैं कि बायोचार क्या है जानते क्या, चारकोल क्या है जानते क्या, अरे वो पूरा बाजू रखो पहले। मुझे कोयला बोल के एक चीज है, वो पुराना नाम था, वो तो है ना, जिन्हें जिंदगी में नया नाम देने से नया तो नहीं बनता, जो है वो है, उसका जो उपयोग है मेरे दादा दादी भी जानती थी, दांत धोने से लेके बर्तन धोने से लेके कोई खाने में अपना प्रदूषण नहीं होना बोल के उसमें डाल के भूत पिशाच को भी भगाने में आप ले रहे थे, नजर ना लगे उसके लिए भी यूज कर रहे थे, और क्या चाहिए। हर एक जगह गंदा चीज को दूर करो, नहीं तो गंदा चीज को अब्सॉर्ब करो, इस वास्ते वो आया था। अभी दुनिया में इतने गंदगी फैल गई, वो हवा का प्रदूषण होने दो, नहीं तो ये रेडिएशन अपना टेम्परेचर होने दो, हर कोई चीज, तो ये सभी को नेगेटिविटीज को लेने के लिए एक ब्लैक बॉडी मिल गया। ब्लैक बॉडी आप जानते हो साइंस में पूरा खींचता है, लेकिन पूरा देता है, जो पूरा लेता है पूरा देता है वो कौन है, अच्छा इंसान है, नहीं तो download.com नहीं। सुबह उठ के डाउनलोड किया, किसी को अच्छा ही बांटा नहीं, ऐसा नहीं है ना। अच्छा इंसान तो बोलता है ना, अच्छा ही लेता है पूरा देता है कि नहीं। तो इस वास्ते अपना बायोचार का क्या है, बुराई को लेना अच्छाई को देना, इसलिए इसका जो गुण है, मैं शिव तत्व भी बोलता हूँ, हम नागपुर में है ये बात नहीं भूलना, शिव शक्ति का लाइन से गुजर रही है। अब पता है वो शिव शक्ति लाइन बोल के केदारनाथ से लेके रामेश्वर तक जाता है, ये लाइन इधर से ही जाता, ठीक है ना। तो इसका जो भगवान बोल के चीजों में देखते हैं ना, भगवान कार्बन से बनाया है दुनिया को, सही है, अपना शरीर कार्बन से बना है, पूरा कार्बन है, अपना जीने के लिए भी कार्बन है, खाने का भी, अपना बुराई भी कार्बन है, ज्यादा कार्बन छोड़े इसलिए हम सफर हो रहे है ना। तो ये कार्बन बोल के एक एलिमेंट जो लेके उसका इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा डायमंड से लेके पेंसिल बच्चों को लिखने वाला से लेके
अपना कोल भी एक हल है, उसमें सबसे अच्छा एक चीज बनाया है वो है चारकोल। वो चारकोल को आज हम जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से बायोचार बोल के नाम दे रहे हैं, जैसा 500 के 600 डिग्री टेम्परेचर के बीच में अगर हुए तो प्रॉपर्टी ज्यादा है बोल के, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम टेम्परेचर में किए तो गलत बात नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर में उसका प्रॉपर्टीज कम ज्यादा होते, बस उतने ही। जैसा कागज है, मैं ये कागज भी 10 पैसा का खरीद सकता हूँ, 10 रुपए का भी बॉन्ड पेपर खरीद सकता हूँ, इस पे भी कुछ लिख सकता हूँ, उस पे भी कुछ लिख सकता हूँ, दोनों भी काम के है ना, नहीं तो टिश्यू पेपर तो भी काम का है कि नहीं, हर एक कागज काम का है, अलग अलग वैल्यूज है ना। वैसे बायोचार्स बोल के होता है, वो बायोचार्स आपका हर एक मटेरियल से बन सकता है, वो हर एक मटेरियल का अलग अलग वैल्यू अपन पहचानना, क्योंकि अपना बिजनेस मॉडल में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोल के एक चीज होता है। उसके और एक ये है कि हम पहले जो लोग खरीदना चाहते उनको अवेयरनेस नहीं करके कितना भी बनाओ बेकार है। तो अभी जो क्योंकि हम शुरुआत में है तो कंपलसरी अपने को अवेयरनेस में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए हमारा जैसा प्रोग्रेसिव बायोचार सोसाइटी है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेहता जी हमारे चेयरपर्सन है, और अभी आप लोग भी आ रहे हैं उधर 25 को, तो हम अवेयरनेस कर रहे पॉलिसी के तौर पे कर रहे अपने अपने राष्ट्रों में। आप भी खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, कंपनी की ओर से बात किए तो ज्यादा नहीं सुनते, वो सोचते हैं भेजने के लिए आए बोलते। एक कॉमन संस्था बनाओ और कॉमन संस्था से अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी बनाओ, बना के हम राइट फ्रॉम क्या बोलते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी उसमें शामिल कर सकते, पॉलिसी मेकर्स को भी शामिल कर सकते, इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल कर सकते, मेंबर्स यूथ को, युवा को हम ज्यादा ट्रेनिंग दे सकते, स्कूल कॉलेज दे के भी पढ़ाने की चीजें कौन करेगा अलग सा, बोलिए आप ही बोलिए, गवर्नमेंट तो नहीं करेगा क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है ये चीज है क्या। अगर मैं भी कोयला बोल के कहीं पूछ रहे तो वो अलग सा देखते मुझे, ये कौन सा आदमी है कोयला पूछ रहा है, कोयले के बारे में बात कर रहा है कि नहीं। तो अपने को वैसा पैरेलल भी काम करना है। तो अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो कुछ भी संजीवनी ने बनाया है, अपना संजीवनी सोचो, संजीवनी का मतलब क्या है, जीवन दान देना है कि नहीं। डेफिनेटली अभी जो दुनिया है ऑलरेडी आधा डेड है, मतलब मुर्दे टाइप ही है लोग, वो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, जीरे बोल तो टैबलेट डाल के जीरे। अभी सभी को रियली और एक रिचार्ज करना है, नहीं तो आगे वाले पीढ़ी को अच्छा दुनिया देना है। उसके लिए सभी के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है बायोचार, क्योंकि आईपीसीसी ने बोल दिया, अभी हम क्या बोले, वो अच्छा है उसने बोला है, एटलीस्ट अभी बोला है और डिले नहीं किया, एटलीस्ट मैं उसका शब्द लेके तो भी आगे बढ़ने के लिए है। तो मुझे इधर आने के लिए और आप लोगों से मिलने के लिए, और इसके अलावा आप कंटिन्यूस मेरे साथ भी कनेक्ट रहने के लिए, एक है मेरा बायोचार चैनल बोल के आप मारने से आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश तेलुगु तीनों में डाल रहा हूँ क्योंकि 3 लैंग्वेज ही आते हैं मुझे। तो उसके अलावा एक बायोचार ईडी बोल के और एक वेबसाइट भी बनाया है मैंने, तो उसमें भी मैं पूरा जितना भी सब्जेक्ट है जो कुछ भी उसमें डाल रहा हूँ, तो आप भी आप दूसरों को भी ये दे सकते हैं ताकि और ये जल्दी खत्म हो जाए। मुझे और भी काम है, मैं ये और बैठना नहीं है, 20 साल के नज़दीक आ गया मेरा ये काम शुरू करके, और कितना देर करेंगे, जब आप लोग गए तो मैं और कुछ करेगा ना। हाँ मैं बिजनेस का नहीं है याद रख लो, मैं सिर्फ मेंटरशिप करता हूँ, मतलब अच्छा चीज़ों को बांटने के लिए कोशिश करता हूँ, और मेरा किताब भी है, ओपन नॉलेज है, आसानी से पढ़ लो, कोई ट्रांसलेट करना चाहे तो लोकल लैंग्वेज में करके दे सकते हैं आप, ठीक है ना। सभी को शुक्रिया।